जल्दी से आप दवाई लो, ठीक हो जाओगी। बाबू को दिखा। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये बनी है भय माता और एक मतलब छोटा बच्चा बनाते हैं, माँ बच्चे होते हैं ये। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और आज छठी पूजन, बाबू की छठी है आज। और यहाँ पे ये प्लेट आप देख सकते हैं, तो इसकी बुआ जी जो है जो जापे में आई थी वो लेकर आई हैं। ये इसके कपड़े ग्रीन पहनेगा बाबू, लाई है। पता नहीं यहाँ दादी जी क्या कह रही हैं दीदी को, मम्मी जी बैठी हुई हैं आपस में, इनकी बातें चल रही हैं। और नजरिया पहनेगा बाबू, नए कपड़े पहनेगा आज छठी के दिन। और यहाँ पे बनते हैं चावल और दाल चावल बूरा, ये सब खाया जाता है छठी। और ये थाल आप जो देख रहे हैं जो बजाई थी, उसी पे जो है ना काजल पाली जाएगी। तो इसकी बड़ी बुआ आ गई हैं, वो अभी जो है ना काजल पालेंगी। उसमें कांसी की थाली होती है, कांसी का बेला होता है, तो ये जो थाली है कांसी के इसी पे काजल पाली जाती है, फिर जो है ना बेबी को लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ना पाल रहे हैं दीदी, और उसी के बाद जो है ना पहले छठी का सारा काम हो जाएगा। वहीं पे साइड में मेरी चारपाई है, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, बाबू को लिया हुआ है गोदी में। और मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी मैं आपको क्या बताऊँ, बस उसने कुछ भी नहीं खाया था दो तीन दिन से, और उसको गर्मी लग गई, तो उसी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसके उठने की भी आसक नहीं रही। मतलब उसके पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उससे खड़ा नहीं हो जाता, बुखार खांसी जुखाम दस्त उल्टी, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उसी वजह से, क्योंकि मैं खुद ध्यान नहीं रख पा रही थी। वही है ना, अगर बच्चा अगर दूसरा तीसरा हो तो दूसरे बच्चे की, मतलब पहले मेरी बड़ी बेटी तो समझदार है, लेकिन छोटी अभी नहीं समझती, आपको पता है वो छोटी ही है, उसको मैं ही संभालती हूँ खाना पीना। अब वही है ना, मैं कुछ कर नहीं सकती और वो उसी वजह से ऐसे ही, वो किसी के हाथों से खाती है ना पीती है ना रेडी होती, बहुत मुश्किल से उसे संभाला है। और उसके पापा ने ही अपने पास सुलाया था, 5 दिन मैं हॉस्पिटल से आई थी उस टाइम पे, क्योंकि हॉस्पिटल में रखना बेकार था, क्योंकि वहाँ पे बच्चा परेशान हो जाता है। इसीलिए उसके पापा जो है ना नाइट में नहीं रहते थे हॉस्पिटल में, मम्मी पापा जी रहते थे मेरे पास, और ठीक भी था, मतलब बच्चों के लिए। दोनों बेटियाँ मेरी नहीं रुकती हैं मेरे बिना, और अगर हाँ हम दोनों में से एक होता है तो रुक जाती है मेरी बड़ी बेटी, लेकिन छोटी का मुझे, छोटी भी अब रुकनी पड़ी क्योंकि उसके पापा उसे रखते थे, दिन में मेरे पास ले जाते थे और रात में जो है ना घर पे ले आते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े पहनाए जा रहे हैं बाबू को। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही, बेटा पापा जी गैस बंद कर दो, तो मैं वीडियो बना लूंगा। माय पैर रखना, माय भाजी सिटी आगे। हाँ मम्मी पर गिर गो फोन, जैसे खुद पैर लगे लगाते हो ऐसे बच्चे को बर्बाद नहीं करना। देखा रोने लग गया ना बेड़े, हमारी जिंदगी की किस्मत बहुत अच्छी है। ये वाला मुंह दिखा, तू जूम करके तो आप आज बाबू का फेस भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं ज्यादा दिन, वैसे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, क्या करूं, बस अब बच्चे हैं, तीन हैं, तीनों को संभालना होता है,
तो बस ऐसा ही टाइम वही है ना, टाइम भी ऐसा। फिर अभी कुआ पूजन नहीं हुआ है तो मैं ज़्यादा जो वीडियो अपलोड भी नहीं करती हूँ। ये देख सकते हैं आप बाबू का फेस, तो आप बताना ज़रूर, अभी पास से भी आप देखना, तो अभी आगे आगे भी देखना आप कि क्या क्या होता है छठी पे। तो यहाँ पे जो है ना इसकी आईब्रोज पे भी मतलब काजी काजी की जाती है और काजल लगती है। बाबू को नजरिया पहन लिए हैं, कपड़े पहन लिए हैं, पैरों में भी धागा बांध दिया है काला, गले में जो चांद सूरज जिसकी बुआ जी लेकर आई थी वो भी इसको पहना दिए हैं। वो सोने का नहीं पहनाते हैं छठी पे, चांदी का ही पहनाते हैं। सोने का वो बाद में, अब वो ला चुकी हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लेकर आई हैं बाबू के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे कैप भी लगा लेगा बाबू और कलावा भी बांध देंगी। हाँ, पैरों में जो है ना कलावा बांधा था। तो चलिए आप अभी देखिए और आप बताना ज़रूर, मेरे बाबू को बहुत सारी दुआएं देना, ब्लेसिंग देना कि भाई ये अच्छे से रहे, ठीक है। मम्मा मम्मा जी बता रही हूँ, मम्मा जी ने देखो कमरिया जियो देखो, जा जा जियो उठा इसमें जी, देख बाबू ने नए कपड़े पहन लिए, बाबू ने नए कपड़े पहन लिए। जियो देखना एक आँख में कैसी लगी कति मोटी, पहले ले थी तो लाल लाल चांद दिखा दे। मैं अलर्मा अभी खेत में आता हूं। ओ लाला खेत में तो आयो मैं जा ना पड़ा खेत में तो आई नहीं पड़ा रहे तो अब बाबा बनाओ आयो मत पुराने बच्चा की दवाई रात दिखाओ आ रो है चार दिन ले कर दिन पड़ो देख रहे हो मेरे बेटो, देख रहे हो चांद बाबा ने, हाँ देख ले फोटो खींच अब चांद चांद कर्म जो दूसरे देख रहे हो तो आप देख लियो देख लियो पुराण मुँह कर रखो नून करो वो बजंदर दिखा देखो ले मेरे हाथ में तो भैया चांद देखो मेरे भैया चांद देखो भाई चांद क्या है वीडियो खराब कर रहे तेरा वीडियो खराब कर दी देखो ऊपर चांद देखो भैया होगी आ खोलो ले की भी ना करे बैठ जाए उतारो देखो हां भाई चल पापा आप बना दो ना वीडियो फिर भाजी मन तीन डर लग गया आप बनाओ तो मैंने डर लग गया भैया अल काना आ कोली कोलो वीरो कैसा लग रहा है ब्लॉग में ले।
ब्लॉग। क्या क्या होता है हमारे यहाँ। बाबू को चांद दिखाया था बाबा ने, और उसके बाद ही जो है ना सत्संग शुरू हो गया, क्योंकि मैंने भी और मम्मी ने भी बोला हुआ था। ये इसकी बुआ ठुमके लगा रही है। तो सब लोग आए थे, और सत्संग में जो मतलब दादी जी ताई जी वगैरह होती हैं वो सब करती हैं, जैसे मंडली होती है ना हर जगह, तो वैसे ही होता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरी देवरानी, मेरी सिस्टर, मतलब मेरी शिखा, निशा, ज्योति, सब देवरानी है मेरी, तो बहनों जैसा ही नाता है इन सबसे। तो यहाँ पे आप डांस भी देख सकते हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जो नई सत्संग हो रहा है तो सभी लोग इसमें आए हुए हैं। बहुत ही बहुत मन में था, और वो सब भगवान जी ने सुनी है, पूरी कर रहे हैं। तो बस मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि ये दिन मुझे दिखाए मेरी किस्मत में। तो बस यहाँ ये सभी सत्संग चलेगा 1 बजे तक, और उसके बाद और कान्हा जी भी वहीं पे बैठे हुए हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं सत्संग का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब डांस होगा यहाँ पे, मतलब भजन गाए जा रहे हैं सभी। ताई जी वगैरह जो है ना वो भी अभी डांस करेंगी, और बाद में जब ये जाएंगे तो प्रसाद में बूंदी वगैरह जो है ना दे जाएंगे, और अभी जो है पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबको दे रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है अभी हमारे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पानी और कोल्ड ड्रिंक, चाय तो कोई पीता ही नहीं है, और ना चाय पी जाती है ऐसी गर्मी में। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए, और मुझे बताना ज़रूर कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और बाबू को अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, ठीक है। तो अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए। Hey, 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 hey
तो चलिए फिर यहाँ पे जो है ना ये डांस वगैरह सब होता रहेगा। और उसके बाद जो है ना बच्चे सो गए थे, मेरी बेटी ने सूट किया, कुछ भांजे ने सूट किया, तो बस सो गए थे। काफ़ी लेट चला था 1 बजे तक, तो वो सब वहाँ तक जो है ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपको कैसा लगा?